सूर्य ग्रहण को बीते ज्यादा समय नहीं हुआ कि इसके बाद अब चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये खगोलीय घटना काफी अहम और दुर्लभ होती है और लोगों में भी ऐसी दुर्लभ घटनाओं को देखने की उत्सुकता रहती है। तो आइए जानते हैं यह चंद्र ग्रहण भारत के किस शहर में कब और कितने बजे दिखाई दे। पहले समझते हैं चंद्र ग्रहण क्यों लगता है। दरअसल ऑर्बिट में जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो चांद को ढकने लगती है। पृथ्वी के बीच में आने की वजह से चंद्र ग्रहण लगता है। भारत में चंद्र ग्रहण की शुरुआत 8 नवंबर को दोपहर 2:40 से हो। इस दौरान से ये आंशिक होगा और पूर्ण चंद्र ग्रहण दोपहर 3:47 पे शुरू होगा, लेकिन भारत में इसे शाम 5:20 पर देखा जा सके। चंद्र ग्रहण के खत्म होने का समय शाम 6:19 रहेगा, मतलब 1 घंटे के लिए सूर्य और चंद्र के बीच पृथ्वी हो। इस दौरान आपको चांद के आगे से गुजरती पृथ्वी दिखाई देगी। हालांकि इसकी विजिबिलिटी इतनी नहीं होती कि इसे खुले आंखों से देखा जाए। चंद्र ग्रहण को सबसे ज्यादा साफ पश्चिम बंगाल के कोलकाता और सिलीगुड़ी, असम के गुवाहाटी, बिहार के पटना, झारखंड के रांची और देश की राजधानी दिल्ली में साफ देखा जा सकता है। इसके अलावा कोहिमा, अगरतला, भुवनेश्वर में पूर्ण ग्रहण लगेगा। श्रीनगर, अहमदाबाद, मुंबई, नागपुर, पुणे, नोएडा, गुरुग्राम, चंडीगढ़, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, सूरत, जयपुर, लखनऊ, मदुरई, उदयपुर और भारत के पश्चिम, दक्षिण और उत्तर भागों में आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे जो न्यूज़।